आ जाओ बेटा। नमस्ते जी श्रीमान, एक छोटा है कष्ट देने आया हूँ आप जी। बताइए सर, ये बच्चे हैं कुछ आज और जी सर, तो इनको भी आप एडमिशन दीजिए और इनको पढ़िए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दोस्तों आइए, आज आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाता हूँ जिसके बारे में जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने महाभारत काल में गुरु द्रोण का नाम सुना है, द्रोणाचार्य का, ये कलयुग के द्रोणाचार्य है, इनसे मैं आपको जरूर मिलवाना चाहूंगा। दोस्तों आज के दिन सबसे कीमती क्या है? सबसे कीमती है शिक्षा और समय। ये शिक्षा और समय दोनों का दान करते हैं। इनसे मिलवाने से पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूंगा। देखिए हमारे पीछे ये कितने बच्चे हैं, ये सभी बच्चे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के हैं, जो रोड के ऊपर आप देखते होंगे बाजार में, रोड के ऊपर जो छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं ना, भीख मांगते थे ये बच्चे। इनमें से कुछ बच्चे भीख मांगते थे, कुछ बच्चे बड़े लाचार थे, और हमारे गुरु द्रोण ने क्या किया कि इन बच्चों को कलेक्ट करके और इनको इनके झुग्गी के अंदर आके ही इनको शिक्षा देनी शुरू की, अपना कीमती समय निकाल के इनको शिक्षा देनी शुरू की। आज रोड पे मुझे कुछ और बच्चे मिले हैं, मैं इनको लेके इनके पास आया हूँ, तो इनके बारे में मैं आपको डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर एक भावना पैदा हो। आप सभी को पता है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश से क्राइम कम हो, हम चाहते हैं कि हमारे देश में गरीबी कम हो, लेकिन आगे कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। हम इतना तो कर सकते हैं, कुछ दान दक्षिणा दे सकते हैं, मंदिर के अंदर आप चले जाएंगे, मस्जिद में जाके दान दक्षिणा दे देंगे, लेकिन इस तरह से शिक्षा देना बहुत बड़ी बात है। अपना समय निकाल के, ये अपना समय निकाल के इनको शिक्षा दे रहे हैं। तो श्रीमान बड़ी खुशी है, तो इन चारों बच्चों का आप एडमिशन कीजिए। आज मैं आपको आपकी सेवा देख के, वैसे तो मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, आपके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूं। तो श्रीमान आज मैं आपको आपकी संस्था के लिए, मैं भी इसको संस्था कहूंगा, जरूरी नहीं है कि आपका बहुत बड़ा स्कूल है, काफी लंबी चौड़ी बिल्डिंग है तो ही संस्था, ये उससे भी बड़ी संस्था है। अगर आप अपने मन में विचार करेंगे तो आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि आपसे नेक पुरुष हो ही नहीं सकता। तो मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि आपके बच्चे धरती में बैठे हैं। और आप लोगों को दोस्तों एक और विशेष चीज दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये देखिए, जो शिक्षक इनको शिक्षा दे रहा है, आने वाले भविष्य में आप लोगों को पता है ये छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे। अगर हमने इनको शिक्षा नहीं दी ना, तो ये चोरियां करेंगे, डाका डालेंगे, भीख मांगेंगे, लेकिन महानुभाव इनको इस लाइन पे लेके आएंगे, आगे जाके ये आईपीएस बनेंगे, बड़े अफसर भी बनेंगे। तो मैं इन लोगों के लिए कुछ विशेष लेके आया हूँ, आप बैठिए, मैं दो मिनट में आ रहा हूँ। बस रोक लो, तो सर देखिए ये तो कुछ तप्पड़ हैं इन बच्चों के लिए, आप इनके नीचे ये बैठेंगे, इसके ऊपर तो इनको किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। और आप आइए मेरे साथ, ये कुछ पंखे हैं, ये पंखे इनके लिए है, ये बच्चे गर्मी में बड़े परेशान हैं। और एक विशेष गिफ्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि आप इतना नेक कार्य कर रहे हैं कि हर इंसान सोच नहीं सकता। ये कुछ कुर्सियाँ हैं आपके लिए हैं, और आपको एक और विशेष बात बताऊं, ये जितना भी सामान मैं आपके यहाँ लेके आया हूँ, इस सामान के मेरी जेब से एक रुपया मिलेगा। साथियों मैं आपको एक और विशेष बात बताना चाहता हूँ कि आज जो मैं यहाँ पे सामान लेके आया हूँ, ये पंखे वगैरह, ये कुर्सियां वगैरह, इनका मेरा एक पैसा भी नहीं लगा। पता है कैसे? जब मैं फर्नीचर शॉप के ऊपर ये लेने गया, उस दुकानदार को मैंने बताया ना जी, इस तरह से एक संस्था है, हम उसकी मदद करना चाहते हैं, उनके लिए पंखे ले रहे हैं, तो थोड़ा सा रेट ठीक लगा लीजिए। तो उन्होंने पता है मेरे साथ क्या किया? उन्होंने मुझे कहा जी हमें पैसे ही नहीं चाहिए, ये आप वैसे ही ले जाइए और उस संस्था को आगे बढ़ाने का आप जी तोड़ प्रयास कीजिए, और भविष्य में कभी भी मेरी आवश्यकता हो तो आप मुझे याद कर लीजिए, और मैं उस संस्था के लिए पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी मदद करने की। उस दुकानदार, उस महानुभाव का नाम भी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, गोयल इलेक्ट्रॉनिक्स, नारनौल शहर की एक दुकान है, वहां पे मेरे को ये सभी सामान मुफ्त बिना पैसे मिला है, और मैं इनकी मदद कर। साथियों पंखे और कुर्सियों के अलावा इन बच्चों के लिए मैं कुछ खाद्य सामग्री लेके आया था। जब हमने इन बच्चों को वो खाद्य सामग्रियां दी, तो बच्चों ने बड़े चाव पूर्वक वो खाद्य सामग्रियां खाई। खाने के बाद हमने इनको जूस भी दिया। मुझे लगता है कि अगर इंसान के पास सामर्थ है, अगर आपके पास सामर्थ है, तो आप भी इस तरह की मदद जरूर करें। इस तरह की मदद करने से कहीं ना कहीं परमात्मा हमारी मदद करता है।
दोस्तों मैं आपको बार बार बोलना चाहूंगा कि मंदिर मस्जिद जागरण वगैरह छोड़ के गरीब की मदद करना आप शुरू करें। तो श्रीमान आप मेरे दोस्तों को कोई मैसेज देना चाहें? जी बताएं। तो सर जैसे सर ने बताया कि हमारे देश में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो भीख मांगते हैं, जो ऐसे काम करते हैं जी, जी, जी। लेकिन उनकी शिक्षा के लिए कोई भी ध्यान नहीं देता जी, जी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सब बच्चों की शिक्षा के ऊपर ध्यान दें। और दूसरा ऐसे काफी लोग होते हैं जो इन बच्चों का फायदा उठाते हैं, बड़े बड़े गिरोह चलाते हैं। बिल्कुल इन बच्चों को किडनैप करके इनसे भीख मंगवाते हैं। तो अगर हम ऐसा कर दे कि इन बच्चों से भीख छुड़वा के और शिक्षा की तरफ लेके रहे तो उनका गिरोह भी बंद हो जाएंगे और ऐसे बच्चों की जिंदगी भी बच जाएगी। बहुत अनुरोध सर नेक कार्य कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि इनकी मदद हो सके, देश भर के लाखों बच्चों की मदद हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।